एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, क्यों अरुणिता ने कहा पवनदीप को धोखेबाज? रिलेशनशिप में आने के एक साल बाद ऐसा क्या किया पवनदीप ने कि अरुणिता को कहना पड़ा उन्हें सबसे बड़ा धोखेबाज? उनकी कौन सी हरकत से परेशान है अरुणिता? क्या है पूरी डिटेल्स बताएंगे हम आपको हमारे आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। वेल दोस्तों, अरुणिता ने कई बार इस बात की कंप्लेन करी है कि पवनदीप बहुत ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट है। वेल, वो दिल का तो अच्छा है लेकिन शर्माता कुछ ज्यादा ही है। फिलहाल पवनदीप की टीम में एक बड़ी ही प्यारी और छोटी सी लड़की है समायरा, जिसके साथ गोविंदा एंड चंकी स्पेशल में पवनदीप ने किया था एक गाने पर परफॉर्म, जिसका नाम था तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ऐसे में जब ये गाना चल रहा था और समायरा फीमेल वॉइस का जो लिरिक है वो गा रही थी कि तुम बड़े धोखेबाज हो, तभी वहां से अरुणिता भी लिप सिंक करके इशारे करने लगी कि हाँ सच में ये बहुत ज़्यादा धोखेबाज है और ये बहुत परेशान करता है। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ वैसे ही आदित्य ने, यानी कि जो शो का होस्ट है और जजेस ने, इस बात पर चुटकी लेने की कोशिश की और अरुणिता को बोला आप काफ़ी ज़्यादा इस सॉन्ग से इंस्पायर्ड नज़र आ रही थी, क्या पवनदीप रियल लाइफ में धोखेबाज है? क्या पवनदीप ने आपको किसी बात को लेकर परेशान कर रखा है? तभी समायरा बोलती है कि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है अरुणिता दीदी को भी और मुझे भी। वेल, आपको बता दें कि समायरा को जिम्मेदारी दी है अरुणिता ने कि वो इसे इंट्रोवर्ट जो ये हैं वो ये ना रहें, उन्हें एक्सट्रोवर्ट बनाने की और इनकी शाइनेस ख़त्म करने की और इनको थोड़ा सा खुला बनाने की, इनकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ओपन बनाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी है, जिसमें कई कोशिशें समायरा करती हैं। लेकिन उनसे पूछा गया कि आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है तो समायरा का फेस भी उतर गया। समायरा ने कहा एकदम ख़राब, मैं इन्हें कितना ही कुछ कह दूँ इन पे कोई असर नहीं होता। और इसी बात को लेकर पवनदीप को कहा है अरुणिता ने धोखेबाज की बहुत ज़्यादा शाय हैं और ये किसी भी बात को लेकर एकदम से शर्मा जाते हैं। वेल, ऐसा होगा तो रिलेशनशिप आखिर कैसे चलेगा? वेल, आप लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।